ही उन दोनों पीठ पे मेरे पाए मेरे मेरे अनंत बैठेंगे। वो कार्य आज संपन्न हुआ, इसमें कोई कई भी विघ्न आए हैं, लेकिन उन सारी विघ्नों को दूर करके भगवती शारदाम्बा की कृपा से ये कार्य संपन्न हुआ। आप दोनों स्वामी जी श्रृंगेरी के प्रति बहुत श्रद्धा रखते हैं, ये आपके गुरु जी का भी आदेश है, क्योंकि श्रृंगेरी प्रति ही निष्ठा हमेशा के लिए रखो, ऐसे ही आपके गुरु जी का भी आदेश है, उनका आदेश का पालन आप कर रहे हैं कि हमेशा के लिए इन तीनों मठों का संबंध अविच्छिन्न रहे और हम तीनों का एक ही मत रहे। जो श्रृंगेरी जगत गुरु कहते हैं वही आप दोनों का मत होवे, हम तीनों में कोई मतभेद कभी न आवे, ये भगवती शारदाम्बा ऐसा अनुग्रह हमें करें। आप जो कुछ भी मार्गदर्शन हमसे चाहते हैं वो आपको हमेशा मिलेगा। हमारे शिष्य स्वामी जी विशेखर भारती जी भी बड़े प्रखर विद्वान हैं और श्रृंगेरी मठ के संप्रदाय का अच्छुन्न रूप से पालन करते हैं। आपको आज सांकेतिक रूप में ये अभिषेक हुआ, लेकिन शास्त्रोक्त विधि विधान के अनुसार ये अभिषेक आप स्वामी सदानंद सरस्वती जी को द्वारका में और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को ज्योतिर्मठ में हमारे स्वामी जी विशेखर भारती स्वामी जी आगे करेंगे। अभी आज से 20 दिन के बाद ये कार्यक्रम संपन्न होगा, आप सभी को हमारा पूर्ण आशीर्वाद। आप श्रृंगेरी शारदा पीठ पर यही भक्ति अक्षुण रूप से रखिए, शारदाम्बा की और भगवान आदि शंकराचार्य जी की कृपा आप पर हमेशा रहे। इन शब्दों के साथ मैं ये मेरी वाणी समाप्त करता हूँ। इस संदर्भ में मैं आप दोनों को प्रीति पूर्वक एक चांदी का कमंडलू देता हूं। ये स्वामी सदानंद सरस्वती जी के ये मंडलू आप लोग समझ रहे होंगे कि खाली है, खाली नहीं है, इसमें गुरु जी का आशीर्वाद और दया पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है और ये सदा हम लोगों के लिए काम आएगा। ले लो भैया,